एंड नाउ वी आर इन द प्रोसेस प्रोबेबली विद इन we will बेस्ड the सिस्टम नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है हाईवे एक्सप्रेसवे से गुजरने पे हर किसी को टोल प्लाजा पे रुक करके टोल देना पड़ता है बहुत दिनों तक ये सिस्टम मैन्युअली चलता रहा सड़कों पे जाम लग जाता था टॉल पे कतार लग जाती थी 2020 में फास्ट में फास्टैग जैसे सिस्टम को लाया गया कि आ उसमें आपका पैसा जमा होगा सिस्टम उसको रीड कर लेगा और आपको टॉल पे रोकने की जरूरत नहीं होगी आप सीधे निकल जाएंगे। लेकिन ये भी उतना कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि एक तो इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है और इसके बावजूद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की क्यू लग जाती है अब ऐसे पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसमें सब कुछ सेटेलाइट के थ्रू होगा यानी कि गाड़ी की पिक ली जाएगी तस्वीर ली जाएगी नंबर पहले से होगा उसकी भी तस्वीर ली जाएगी और सीधे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा सुनिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या बता रहे हैं इस प्लान के बारे में टोल सो दैट इज द प्रॉब्लम बट बिकॉज ऑफ ट्रैक आवर टोल इनकम इज इंक्रीज बाय सेवन थाउजेंड करोड़ And now we are in the process, probably within three months, we will be in the process to start it. That satellite based automatic number plate system. Then, because of fast track, also we will take the reading. When the, anyone who enters somewhere, we will register by taking his image, photograph. And whenever he leaves the road, again it will take it, and that amount, whatever to be exactly charged for that, it will be subtracted from his bank account. So you don't need to stop anywhere. So now this system is we are going to launch within three months. So there will be no toll tolaka, there will be no obstacle. And now already from 2018 we have started new number plate. Mm. The old vehicle they don't have. But now we receive the technology that the camera will work on the old number plate and new number plate. So this automobile number plate system related with uh, related to satellite. इट कैन बी रियली ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम वी हैव ऑलरेडी हैव ऑल द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल इवन सम रोड वी आर आई शुल एक्सपेरिमेंट्स एंड विद इन थ्री मंथ वी विल स्टार्ट दिन देर वी नो प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट यू डोंट नीड टू स्टॉप एनी वेयर एंड इट विल बी इजिली पॉसिबल फॉर यू तो अब इसके लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल का सोलह लाख करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं डीजल पेट्रोल और गैस का ये जो इकोनॉमी है इससे हमारी इकोनॉमिक चैलेंज भी है और इसलिए हमने ये तय किया कि हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बने और हमने मैं 2004 से ये मनीष को पता होगा मैं इथेनॉल इथेनॉल कहता था बीजेपी का प्रेसिडेंट था तब कहते लोग मुझे बोलते क्या इथेनॉल इथेनॉल बोल रहे अगर उस समय मेरी बात मैं कन्विंस कर सकता तो आज स्थिति नहीं आती अभी हम लोग पेट्रोल में ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल डाल रहे हैं और हमारे देश में इस साल चालीस हजार करोड़ की बचत हुई और यह पैसा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गया अब देखिए हमारे देश में कौन सरप्लस गेहूं सरप्लस चावल सरप्लस शुगर सरप्लस हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है हमारी कमर्शियल प्राइस एमएसपी से नीचे चली गई है इतना सरप्लस है और हरियाणा में पंजाब में रेलवे स्टेशन पर चावल हमने रखा तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड फ्यूल सेक्टर सुना आपने उनका साफ साफ कहना है कि ये सब कुछ जो सिस्टम चल रहा है ये खत्म हो जाएगा सेटेलाइट के थ्रू इमेज और आपके अकाउंट से पैसा कटेगा अभी तक जो हो रहा था उसमें एक टोल प्लाजा पे आपने पैसा दिया उसके बाद आपको उतनी दूरी का पैसा देना पड़ता था जिसको आप चलते नहीं थे यानी कि यदि एक टोल पे पैसा कट गया तो फिर बेशक दो किलोमीटर आगे जा कर के आप उस हाईवे को या एक्सप्रेसवे को छोड़ देते हैं पूरा पैसा एक टोल से दूसरे टोल तक का लिया जाता था अब जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही का टोल लगेगा इस पर काम तेज़ी से चल रहा है तीन महीने के अंदर गडकरी जी का ऐलान है कि ये लागू हो जाएगा देखते हैं जब जमीन पे ये योजना उतरती है तो कोई दिक्कत आती है या नहीं रहिए ना बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू